अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह सबको खैर खैरियत से ही रखे। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं, तो इसी उसमें मैंने एक नया खिलौना ख़रीदा है जिससे उम्मीद है कि मेरी वीडियो के अंदर जो है ना बेहतरी आएगी। खिलौना है जिसको बोलते हैं गिम्बल, ऐसे शायद ये पूरा आ जाएगा। इस गिम्बल को लेने का मकसद ये है कि इसके बारे में बड़ा सुना था कि इससे जो वीडियोस हैं ना वो बड़ी स्टेबल किस्म की बनती हैं, तो आज कोशिश करते हैं इसके साथ वीडियोस बनाते हैं। एक दो वीडियोस बनाता हूँ जिसमें ज़रा डिफरेंस देखते हैं कि विद गिम्बल और विदाउट गिम्बल वीडियोज़ में क्या फ़र्क आता है। कि मतलब एक वीडियो बनाता हूँ गिम्बल के साथ, कैमरा लगा के, मोबाइल इसके ऊपर लगा के, फिर एक वीडियो बनाऊँगा कि बगैर इसके, सिर्फ मोबाइल में, मोबाइल हाथ में पकड़ के, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में। जी तो ये देखें, अभी मैंने मोबाइल सिंपल हाथ में पकड़ा हुआ है, अभी गिम्बल में नहीं है, तो अभी आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि मतलब वीडियो थोड़ी सी हिल रही है। अभी मैं चल रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा भाग के दिखाता हूँ आपको। अभी ये देखें, जब मैं भागूँगा तो आपको एहसास होगा कि वीडियो स्टेबल नहीं बन रही, कितना मेरा कैमरा देखें कितना हिल रहा है। तो इस वक्त मैं भाग रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लगाता हूँ, अपने कैमरे को, मोबाइल को लगाता हूँ गिम्बल के ऊपर, फिर आपको देखें भी ये फ़र्क नज़र आएगा। अब मैंने ये लगा दिया है अपना मोबाइल गिम्बल के ऊपर, अभी मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, लेकिन आप देखें कितनी स्मूथ वीडियो बन रही है। जो मेरे चलने का वो है वो आपको फ़ील नहीं हो रहा होगा। तो अभी देखें, मैं भाग के भी दिखाता हूँ आपको। अभी पहले ही जब मैं भागा था मोबाइल हाथ में पकड़ के, तो आपको फ़ील हो रहा था कितनी वीडियो हिल रही थी। अब देखिएगा, मैं ये गिम्बल के साथ वीडियो लगाता हूँ और मोबाइल को लगाता हूँ और मैं भाग के दिखाता हूँ आपको, कोई भी आपको फ़ील नहीं होगा कि मैं भाग भी रहा हूँ या नहीं भाग रहा है। ये देखें, अभी मैं भाग रहा हूँ और आपको वीडियो बिल्कुल स्टेबल नज़र आ रही होगी। तो इंशाल्लाह इस गिम्बल से आगे भी वीडियोज़ बनाऊँगा, देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है।